हरिशमेंट कर देनी फैमिली को, फैमिली हरिशमेंट होगी तो समझ जाना फिर इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। भिवंडी शहर के सोनाले गांव में काम करने वाले एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त को जान से मार दिया है। ये पूरा मामला भिवंडी शहर के सोनाले गांव का है। हाईटेक कंपनी के पीछे D5 माल्टा कंपनी है, जहां सफाउद्दीन नाम का व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है, ये कंपनी में काम करते हुए ट्रॉली ले जा रहा था, जिसका धक्का इस्माइल मलिक तेली को लग गया, जिसके बाद इस्माइल ने सफाउद्दीन को लोखंड के पाइप से सर में मार दिया, जिसकी वजह से जगह पर ही उसकी मौत हो गई और इस्माइल मलिक मौके से फरार हो गया। जिसके बाद भिवंडी के ग्रामीण पुलिस ने कुछ ही घंटों में आरोपी को कल्याण स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवंडी के IGM हॉस्पिटल में भेज दिया है। सफीउद्दीन और इस्माइल मलिक दोनों ही मूल रूप से UP के 12 बंकी के चौकंडी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और भिवंडी शहर के सोनाले गांव में रिक्शा स्टैंड के पास एक निजी मकान में किराए पर रहते थे। हमारे सहयोगी मृतक के परिजनों से बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। आज जो आपके भाई के साथ घटना हुई है, जो आपके भाई की डेथ हुई है सोनाले कंपनी में काम करते हुए, तो क्या था पूरा मामला उसके बारे में बताइए, कैसे हुई है ये? उतनी सारी गाड़ी लगी है उसके भाई के और मेरे भाई उसके लड़के को, और उसके बाद में वो लड़ाके उठा के तुरंत मार दिया। पूरा बताओ क्या मामला हुआ है, कैसे क्या हुआ? वो मेरा भाई पेप लेने के लिए गया था एक गाड़ी लेके, उसके बाद में उसके लगा धक्का हल्का सा मेरे भाई को। क्या लेके गया था आपका भाई? टोली 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 लेके गया, उसके लगा था इससे हल्का धक्का, उसके बाद में मेरे भाई को मार दिया। किससे मारा, किस चीज से मारा? पेप से, हाकी से। इसके पहले कभी आपके भाई से झगड़ा हुआ था? एक थोड़े दिन पहले हुआ था, कल मेरे से हुआ था अभी आपसे भी। आपसे क्या क्या वजह से हुआ था? वो आया था भीड़ भीड़ लगाने के लिए आया था, उसके बाद में बोल रहा है कि लगाने तो मैं चलो बाहर लड़ लो, ज़्यादा हिम्मत हो तुम्हारे, मैं बोला रोजा से मैं नहीं लड़ पाऊंगा। अच्छा, तो आज उसके बाद फिर आपके भाई को जो धक्का लगा उसके बाद उसने पाइप से मार दिया, ऐसा हुआ था? हाँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, उसको पकड़े? उसके बाद में वो भाग गया, कंपनी बंद हो गई, तो उसके बाद रूम पे गया। रूम पे जब मैं हॉस्पिटल से लेके गया भाई को, तो रूम पे था। हॉस्पिटल में लेके गए थे आप? वो हॉस्पिटल नहीं मालूम, नाम नहीं मुझे बताया। आशीर्वाद हॉस्पिटल पहले लेके गया, तो उसके बाद IGM में लेकर आया, तो यहाँ क्या हुआ? उसके बाद मैं रूम में लेके गया, तो वो रूम पे बंदा था, ठीक है। उसके बाद मैं रूम पे था, जब लेके गया तो वो नीचे सीढ़ी से उतरा, वो पीछे से भाग गया, गेट से भाग गया। उसके बाद भाग गया, फिर ढूंढ रही थी कंपनी में, गया कंपनी भी नहीं मिली, तो वहाँ स्टेशन पे जाके मिला है। कल्याण स्टेशन पे मिला है। वही 8 बजे लेके आए हैं। कितने बजे मिला है वो? 8:30 बजे लेके आए हैं। 8 बजे लेके आ गए थे। तो अब आपकी क्या मांग है? मेरा मुआवजा मुझे चाहिए, मेरी डेड बॉडी को लेके जाना है, उसको सब करना है। ये मेरी बहन दो शादी करने के लिए हैं, उसको भी वही कमाने वाला ज़्यादा था। अच्छा, हमको मुआवजा चाहिए कंपनी से बस। तो अगर आपसे झगड़े में ये हादसा हुआ तो आपको मुआवजा कैसे मिलेगा? ना कंपनी देगी ना। अच्छा, कंपनी देगी, कंपनी से आपकी मांग है ऐसा? हाँ जी। अभी डेड बॉडी यहाँ पे IGM में है? अभी यहाँ ही है हॉस्पिटल में। तो इसको यहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे? 12 बंकी चौखंडी, UP भी जाएंगे बोलो, 12 बंकी UP चौखंडी, ठीक है। क्या वो कंपनी में आप और आपके भाई एक साथ में काम करते थे? हम एक साथ में काम करते हैं, मगर हम अभी 3 महीना हुआ मेरे को आए, वो 1 साल महीने हो जाएगा उसका, 1 साल। तो वो कितने दिन से काम कर रहा था? वो महीने 1 साल हो जाएगा, 1 साल महीने हो जाएगा उनका। आप लोग रहते कहाँ हैं? जैसे कि आप 12 बंकी के आप हैं, तो वो लड़का भी 12 बंकी का ही? वो भी 12 बंकी का है, चौखंडी गांव। अच्छा, तो आप लोग यहाँ भिवंडी शहर में आप लोग वो कंपनी में ही रहते हैं या कहाँ रहते हैं? हम रूम पे रहते हैं, कंपनी में खाली काम करते हैं बस। रूम पे कहाँ, एड्रेस क्या है? सोनाले गांव रिक्शा स्टैंड के पास रहते हैं। ठीक है, वो भी वहीं रहता है? वो भी वहीं रहता है।